कल्याण ज्वेलर्स शेयर को लेकर। एक और स्टॉक चला बहुत है, लेकिन डेटा बहुत सपोर्टिव आ रहा है, वो है कल्याण ज्वेलर्स। मितेश, कल्याण ज्वेलर्स का अब 400 के टारगेट्स आना शुरू हो गए हैं, 350 पे बंद हुआ था, थोड़ा वीक था, लेकिन एक साल में देखें तो दुगने से ज्यादा चल चुका है इसको एंटर। इसीलिए शायद अगर आप देखें 6 महीने का चार्ट तो एक रेंज में अटका है। ये किस लेवल पे एंट्री पॉइंट के लिए ठीक है स्टॉक? देखिए, अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये नो ब्रेनर चार्ट है। अगर हर एक डिप को देखा जाए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक बड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक्स में था राइट फ्रॉम दिसंबर 2022 से लेके जून 2023 तक, बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था अजय जी, जहां पे 132 और 115 के बीच में स्टॉक घुमा था। उसके बाद जो उसने रफ्तार पकड़ी है, हर एक डिप्स के ऊपर स्टॉक्स को बाय किया गया है, और हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन, आप कोई भी चार्ट पैटर्न लो लो, या तो वीकली या तो मंथली ले लो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, अगर हमको एंट्री लेनी है क्योंकि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनअप हो चुका है, मेरे हिसाब से 280 से 300 के बीच में ही जो एंट्री पॉइंट है वो लेना चाहिए, क्योंकि अब की बार का जो ब्रेकआउट आया है वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 379.75 का जो हाई उसने लगाया है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, और वो लेवल सस्टेन अनफॉर्चुनेटली आवर्ली चार्ट या डेली चार्ट के ऊपर नहीं हो रहा है। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक 380 को क्रॉस करने के लिए। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 280 से 300 के बीच में स्टॉक्स को एक्युमुलेट किया जाए। लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न, वहां तक करेक्शन आ सकता है। ओके, ठीक है।